अल्लाह स्टूडेंट्स दिस इज इब्राहिम आज के हमारे इस सेशन के दो ही एजेंडाज हैं इंट्रोडक्शन जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट है क्या उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है सिलेबस क्या कहता है तो उससे पहले थोड़ा सा मैं अपने आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दूं देखें यार आ, मैंने 2009 हज़ार मैं, नौ में अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट की थी डिलोइ से 2013 में मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट था तो कुछ 14 साल मुझे ऑडिट फर्म में हो गए करेंटली ऐसा डायरेक्टर काम कर रहा हूँ और डोलाइड पाकिस्तान के अलावा मैंने डोलाइट लंडन और डोलाइड कतर में भी काम किया हुआ है अक्सर बच्चे सवाल पूछता है कि सर क्या ऑडिटर का भी ऑडिट होता है यस बिल्कुल ऑडिट होता है आई कैप आके हमारी फाइल्स को रिव्यू करता है डिलॉयट ग्लोबल आके हमारी फाइल्स को रिव्यू करते हैं इसी तरह मैंने भी दूसरी फाइल्स का रिव्यू किया हुआ है और मैं एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस रिव्यूअर भी था डिलॉयट का जिसके बेसिस पर मैं डिफरेंट ऑडिट फॉर्म्स की फाइल्स को रिव्यू करता था अपार्ट फ्रॉम दैट डिलॉर्ड की तरफ से लर्निंग के ऊपर बड़ा फोकस होता था तो, तो मैं डिलॉर्ड की तरफ से एक लर्निंग मैनेजर भी था जिसमें मैंने बेतहाशा लर्डिंग्स वगैरह ऑप्टेन भी करी है स्पेन वगैरह में और पाकिस्तान के ऑफिसिस में उसको इंप्लीमेंट भी की हुई है अब थोड़ा सा मैं आपको अपने की क्लाइंट्स के बारे में बताऊँ चौदह साल में मैंने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो एक लार्जेस्ट बैंक है उसको ऑडिट किया हुआ है आई एक मल्टी बैंक है उसको ऑडिट किया हुआ है रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड का ऑडिट मैंने लंदन में किया हुआ था एस एक बड़ी जबरदस्त कंपनी इसका ऑडिट किया हुआ है कराची पोर्ट ट्रस्ट एक लार्जेस्ट पोर्ट है पाकिस्तान का उसका भी ऑडिट किया हुआ है इसके अलावा ऑट्सो का एक बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल सेक्टर था उसको ऑडिट किया इसके अलावा कुछ हमारे देसी क्लाइंट्स है लाइक जेज ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप था पंजाब नेशनल बैंक इंटरनेशनल लिमिटेड यूके में जब मैं था तो मैंने वहाँ पे इसको ऑडिट किया था डॉलमेन आप लोग घूमने जाते हैं मैंने डॉलमेन को ऑडिट किया हुआ है इसी तरीके से पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री एक बड़ी ज़बरदस्त और एक बड़ी स्ट्रेटेजिक फैक्ट्री है पाकिस्तान की

मार्च को और सितंबर 17 में ही रिजल्ट इकतालीस सत्ताईस इकतालीस पैंतीस और पिछले तीन चार अटैम्प में इसका रिजल्टली तीस बत्तीस परसेंट है सही है ये हमारे पास अगर पिछले तीन चार आइटम्स को भी मैं देखो तो इसका कंसिस्टेंटली रिजल्ट 30 से 32 परसेंट के दरमियान मतलब अगर मैं आपका और दिसंबर सोलह से मैं आपके सामने एक ठीक है तो तेरह परसेंट चौदह परसेंट ग्यारह परसेंट बारह परसेंट इक्कीस परसेंट पंद्रह परसेंट पच्चीस अगर अट्ठारह परसेंट अठारह बीस परसेंट इक्कीस परसेंट तक रखा हुआ है ठीक है तो फाइनल में ऑन एवरेज बीस परसेंट रिजल्ट है चेक का कैफ में बहुत जेग्जेग आए है लेकिन पिछले तीन चार अटैप्ट को देखो कंसिस्टली प्लेस का रिजल्ट तीस बत्तीस परसेंट पे रखा हुआ है सर ये इतनी फ्लक्चुएशन जो आपको याद है 54 परसेंट से वो जो 17 परसेंट पर आया था इसका रीजन क्या था बच्चों इसका रीजन क्या था रीजन फॉर फेलियर सबसे बड़ा रीजन ये था कि जिस अटैम्प्ट में जिस अटैम्प्ट में हमारे पास 54 परसेंट तक रिजल्ट गया था उस पेपर में सिनेरियो बेस्ड हमारे पास सिर्फ और सिर्फ तैतीस परसेंट थी तैंतीस था बाकी सेवन परसेंट हमारे पास हो जाता था अगर आप ये ग्राफ देखें ट्रेंड बढ़ गया पे और जहां उस में पूरा हंड्रेड परसेंट थ्री सिक्सटी हो गया हमारे पास सीनेरियो पेवेंटी सेवन परसेंट के आ गए और बच्चा से जैसे करके चला हुए चीजों को उस बेस्ड क्वेश्चन को अप्लाई कर ही नहीं सका और उसके बाद अगर चंद्र ग्राफ देखे

कैफ़ एट स्प्रिंग दो हजार तेईस पे बच्चों स्प्रिंग दो हजार दो हजार तेईस का पर्चा You are the auditor of Gujzar Limited for the year ended dec 31st December 2022. During the audit, you have been informed that the Federal Board of Revenue has seized the accounting records pertaining to revenue and production for the further investigation into alleged charges for tax evasion. दस नंबर का सवाल था. Evaluate the above situation. So discuss the implication on the audit report. क्या इसका सवाल था. ये सवाल एक्सेक्टली कॉपी किया गया. C56 June 19 के 2019. में दस नंबर के फाइल में सवाल था. वो 2023 में कैफ के बच्चों से पूछा जा रहा है. The following situation है.

जब मेरे पास इतनी अटैप्ट है थ्यूरी बेस क्वेश्चन नहीं थे तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन तो पिछले पांच छह साल के मेरे पास तो सर फिर तैयारी कहाँ से करें सर फाइनेंस सही है अच्छा इसी तरीके से रीजन फॉर फेलियर क्या है बच्चों पांच से से पर कम्पेरिजन करके दे दिया सबसे पहला रीजन फेलियर का ये कि आप स्टैंडर्ड्स को मेमोराइज पहली प्रायोरिटी टीचर और बच्चे की रट्टा लगा लो रटा लो रट्टा की खत्म तो सोचने की तो सहित नहीं रहेगी तो ना यहाँ से बच्चों के सवाल परीचर था ना टीचर के बच्चे से सवाल करेगा सही है तो पहली चीज तो ये कर लो इनकम्प्लीट कोर्स कवरेज ये दो ग्रेड कर लो ये तीन ग्रेड कर लो ये चार चीजें छोड़ दो पांच चीजें छोड़ दो इनके ऊपर फोकस करना पेपर पास हो जाएगा ये आई कैप के पेपर्स में नहीं चलती है अप्रोच Lack of जब क्वेश्चन है तो सवाल स्टार्ट से करना है कैसे लिखना है आइजा क्या कहता है आपसे उसको अप्लाई कैसे करना है अगला मसला है लैक ऑफ प्रैक्टिसिंग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बच्चों जब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही पेपर आते थे पहले तो पिछले पांच छह साल के हमारे पास सवाल आते हैं कैफ के तो फिर हमारे पास प्रैक्टिसिंग मटेरियल ही कम है हम पेपर देने जा रहे हैं कैफ का और आखिरी पर्चा हमारे कैफ के ग्रुप बी का और हम पर्चा देने जा रहे हैं और हम सिर्फ प्रैक्टिस पांच छह अटैप रखें नहीं सर प्रैक्टिस ही बच्चा कंप्लीट नहीं कर रहा होता या प्रैक्टिस में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा फोकस करना होता है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता ना ही उसकी उसका फोकस होता है लिंकिंग के ऊपर ना लॉजिक के ऊपर ना कॉन्सेप्ट के ऊपर वो लगाने के ऊपर लगा हुआ होता है सही है अगर इस अप्रोच से आप पढ़ेंगे तो आपका पर्चा फेल होगा सही है सिर्फ आई कैप के पास बस इनफ नहीं है प्यारे बच्चों हर एक चीज के लिए हमारे पास ए सी सी ए आई सी डब्ल्यू सी ए फॉर इसके सवाल हमने देखने होंगे ताकि हम एक अच्छी तैयारी के साथ साथ और अगली चीज लैक ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों ऑडिट जैसे सब्जेक्ट ऐसा है जिसके ऊपर आप इंशाल्लाह फॉर्म में जाएंगे तो आप अपनी फॉर्म में आर्टिकलशिप ऑडिट फॉर्म में ही करोगे नाइनटी नाइन परसेंट बच्चा ऑडिट फॉर्म में अपनी आर्टिकलशिप कर रहा होता है ऑडिट फॉर्म में जाकर एक एक्सपीरियंस हासिल कर रहा होता है चीजों को जब आप देख रहे होंगे तो जो आप पढ़ रहे हैं वो इंशाल्लाह आगे जाकर प्रैक्टिकली चीजों को देख रहे होंगे मैं चौदह साल से इस इंडस्ट्री में चौदह साल से ऑडिट फॉर्म में हूँ मैं हर एक चीज के ऊपर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा तो जब वो मैं आपको स्टोरीज सुनाऊंगा जब वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा वो चीजें आपको कयामत इनशाला याद रहेंगी

Majority of the students performed well in the straight straightforward memory based questions but reflected poor skills in attempting the scenario based questions and those requiring the application of knowledge. So, yeah, job. the overall performance in this attempt was much better than the previous attempt. However, the performance in question 4, 7, 8, was quite poor. A clear observation was that the students performed well in straightforward memory based questions but reflected poor knowledge in scenario based स्टूडेंट्स किसके हैं यार हम टीचर्स के ही है ना हम ही है ना था था, तो हमारा फोकस इन चीज़ को ऊपर रहता है तो जाहिर सी पेपर में आप वो अच्छा करके आएंगे लेकिन सिर्फ उसको अटैम्प करने से आप 50 नंबर हासिल नहीं कर सकते सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट सही है इस तरह और हमारे पास क्या कमेंट्स हैं लेकिन हम एक काम करते हैं हम चलते हैं सी की तरफ सही है देखते हैं हमारे पास फाइनल में आईकेर दो हजार अठारह में आईकेफ सी कहता है ये बड़ा ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों कॉमेंट है आपके ऊपर हाउ एवर सर्च लोअ पासिंग ऑफ कंसर्न प्रीवियस इन सब्जेक्ट

बच्चे का एफ एफ आर एडवास ऑडिट पास है एमएस का पेपर दे रहा है उसकी मुश्किल पेश आ रही है प्यारे बच्चों कबर तक सब्जेक्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा खुदा खासा इसको हल्का दे लिया आपने उसको उस तरीके से नहीं पढ़ा आपकी आर्टिकलशिप तीन साल की वो भी जाएगी सी एफ सिक्स में भी स्ट्रगल में भी क्वेश्चन बेस्ट बच्चों एक और एवरेज सही है अच्छा इसको पास कैसे करे बच्चों सर सवाल तो ये है बना तो नहीं आप कैसे उसको पास कर सकते प्यारे बच्चों स्टैंडर्ड्स को मेमोराइज करें लेकिन वेजक ऑनलाइन के साथ और कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्टचुअली कॉन्सेप्ट पता होगा लॉजिक होगी लेकिन वो भी एक चीज 딱 कयामत याद रहेगी आपको ये मेरी ये मेरी गारंटी है आपको इनकंप्लीट कोर्स का क्लर्स हमेशा हमेशा 100% डबल ओपन चला हमारा लाइक और ट्राटिंग

बच्चा फोकस नहीं करता लॉजिक लिंक वो कहता है यार ये ग्रेड ए कर ग्रेड बी कर चैप्टर टू कर लो चीजों को लॉजिकली नहीं पढ़ रहा चीजों की को पर फोकस नहीं कर रहा और उसको पढ़ते हुए कुछ समझ नहीं पता ही नहीं है इसके ऊपर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चल के आ रही मार्केट में क्या चल रहा है दुनिया में क्या चल रहा है ऑडिट फॉर्म क्या चल रहा है मेरी आधे ज्यादा जिंदगी प्यार ऑडिट फॉर्म में गुजर चुकी है चौदह साल में फॉर्म में गुजर चुका हूँ एक एक चीज के ऊपर आनंद लेना मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने हर एक टॉपिक के साथ अगली ये चीज अब आ जाता है ओवरऑल हमारे कैफ के सिलेबस के ऊपर क्या हमारा कैफ का सिलेबस क्या है कैफ का सिलेबस हमारे चार ग्रेड्स के ऊपर है सही है एक हमारा ओवरऑल एक्सेप्टेंस है कि क्या मुझे ऑडिट करना चाहिए नहीं करना चाहिए दूसरी चीज हमारे पास प्लानिंग है कि मैं ऑडिट को प्लान करता हूं फॉर एग्जाम्पल नेशनल बैंक ऑडिट करता हूं मैं तो नेशनल बैंक की पता नहीं कितनी 2200, 24, 2400 ब्रांचेस है तो किस ब्रांचेस को जाकर मैं वेरीफाई करूं किस ब्रांचेस को जाके वेरीफाई नहीं करूं प्लानिंग करता हूं मैं उसके बाद जो प्लानिंग करी है उसको एग्जीक्यूट करता हूँ परफॉर्मेंस करता हूं, हूं ताकि मैं एक एविडेंस ऑप्टेन कर सकूँ और फिर आखिरी में जाकर रिपोर्ट देता हूँ ये मेरे पास चार ग्रेड है मेरे पास जो पहले ग्रेड है प्यारे बच्चों वो है ऑडिट फ्रेमवर्क रेगुलेशन प्रोफेशनल एथिक्स इसमें हमारे पास पांच एरियाज है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑडिट के इंगेजमेंट लेटर क्वालिटी डिस्कालीफिकेशन ऑडिटर एंड पावर ऑफ ऑडिटर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर वो वाला सेक्शन कोड ऑफ एथिक्स है सही है ये पांच एरियाज हमारे पास है और उसमें हमारे पास पंद्रह से पच्चीस नंबर की वेटेज है करता हूं मटीरियल डिटर्माइन करता हूं, हूं फॉड को किस तरीके से काम करना है फ्रॉड की प्लानिंग करता हूं फ्रॉड की डॉक्यूमेंट्स करता हूँ कुछ चीजें ऐसी जो कि मैं डॉक्यूमेंट कर रहा होता हूं अपने पास ये हमारे पास ग्रेड भी है इसकी पंद्रह से बीस मार्क्स की वेटेज है पांच एरिया से ये हमारी सबसे ट्री सबसे मुश्किल सबसे लेंदी सबसे कॉम्प्लेक्स ग्रेडर विच इज 45 टू 55 मार्क्स

ये आपने कॉन्सेप्टअल फ्रेमवर्क के लेक्चर लाजमी लेना है इसके बगैर आपको कोई एक टॉपिक भी समझ में नहीं आएगा सही है ये कॉन्सेप्टअल फ्रेमवर्क के लेक्चर लाजमी है ये बाइबल है कॉन्सेप्टअल फ्रेमवर्क है और अगर आपने कॉन्सेप्टअल फ्रेमवर्क के लेक्चर अच्छे से ले लिया आपको आगे हर आयज़ा इनशाला बेहतरीन समझ तो में आएगा तो इन चला मुलाकात होती है प्यारे बच्चों अपना बेहद ख्याल रखेगा थैंक यू सो मच